तो गाइज यार वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको मैं सीवी फोटो बनाना सिखाऊंगा, जैसा कि मेरे होम स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का एंड काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट चेंजिंग के साथ मैंने लेकर आया है। तो गाइज अगर आपको भी सीवी फोटो बनाना होगा तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस टाइप का वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। जो कि गाइज यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा रियल वाला ट्रिक बताया है। गाइज यहाँ पर फोटो देख सकते हो कितना कमाल का फोटो हमारा बना है, एंड नीचे में दोस्तों यहाँ पर ऑयल पेंटिंग कितना लाजवाब लग रहा है गाइज। तो आपको दोस्तों मैं ऐसा फोटो बनाना सिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि गाइज हमारा नॉर्मल सा फोटो कुछ इस टाइप का है गाइज, कितना ब्लैक है आप यहाँ पर देख ही सकते हो। एंड गाइज फोटो बनने के बाद फोटो हमारा कुछ इतना ज़्यादा वाइट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइज आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज यार आपको सबसे पहले इस फोटो को दोस्तों लेकर चलना है स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज मैं यहां से अपने फोटो को सिलेक्ट करके दिखा देता हूं, एंड गाइज यहां पर करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गाइज यहां का बैकग्राउंड देखिए किस टाइप से है गाइज। तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे सीवी वाला, तो आपको डिटेल्स में जाके दोनों को दोस्तों पूरा सॉफ्ट कर देना है, एंड इतना करो आपका फोटो कुछ इतना ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा। एंड इसके बाद दोस्तों इस वाले ऊपर में इस वाले ऑप्शन पर जाकर व्यू एडिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, इसके बाद डिटेल्स पर क्लिक करके ये बीच वाले पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि ये साइड में जो है इस पर क्लिक कर देंगे तो फोटो हमारा इफेक्ट वाला आ जाएगा। अब गाइज क्या करना है कि सिंपल सा हमको अपने फेस पर का जो है मिटा लेना है। गाइज यहाँ पर देखिए किस स्टेप से मैं मिटा रहा हूँ, सेम स्टेप आप भी फॉलो करिएगा, आपका भी फोटो ऐसा ही बनेगा। गाइज इतना काम आपको जो है कर लेना है। यहाँ पर देखिए कितना मस्त हमारा पिक जो है लग रहा है, एंड सही कर देना है। एंड इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा बैक जाना है, एंड टूल्स पर जाकर सेलेक्टिव पे चले जाना है। और जहाँ आपके फेस पर अंधेरा लगेगा वहाँ पर आपको ऐसा ब्राइटनेस बढ़ा देना है। तो फोटो हमारा पहले से कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लग रहा है, कितना ज़्यादा वाइट हो चुका है गाइज, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा वाइट लग रहा है। तो गाइज यार इतना काम अगर आपका हो जाता है समझ गए आपका फोटो गाइज सीवी बनेगा, वो भी हार्ड वाला। गाइज यहाँ पर देखिए कैसे लाइट को मैं बढ़ा रहा हूँ, सेम ऐसे ही गाइज आपको भी कलर है। बस इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको इस फोटो को क्या करना है कि शेयर करना है लाइट रूम के अंदर। तो भाई लोग फोटो लाइटरूम के अंदर जा चुके हैं, एंड गाइज उसको आपको ओपन करना है। एंड यहाँ पर आपको अपने फोटो को जो है सेलेक्ट करना है। जो गाइज यहाँ पर मेरा ये फोटो हो गया, आप देख ही सकते हो फोटो को। तो गाइज हमको करना क्या कि यहाँ पर एक प्रीसेट को मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा, जो कि आपके सामने मैं कॉपी करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके और कॉपी करके अपने फोटो में जो आपको सिंपल जब पेस्ट कर देना है, एंड पेस्ट करना गाइज कुछ इस टाइप का हमारा फोटो हो जाएगा एक ही क्लिक में। देखिए कितना हार्ड लग रहा है। तो इतना ही गाइज हमको चाहिए, एंड यहाँ से दोस्तों शेयर कर देंगे इस फोटो को फिर से स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ पर आपको अब क्या करना है कि टूल्स पे जाके सिलेक्टिव पे चले जाना है, एंड गाइज जहाँ आपके फेस पर अब अंधेरा गाइज लगेगा वहाँ पर आपको ब्राइटनेस इस टाइप से बढ़ा देना है, एंड आपका फेस वाइट होगा। गाइज आप यहाँ पर देख ही सकते हो कितना अच्छे तरीके से मैं कर रहा हूँ, सेम गाइज ऐसे ही जो है आपको भी जो है करना है। तो गाइज इतना काम होने के बाद आपको इस फोटो को डन कर लेना, यानी कि सेव करके दोस्तों आपको अपने पिकेट को ओपन करना है। पिकेट में अपने फोटो को गाइज आपको सेलेक्ट करना है, एंड सबसे पहले आपको करना है कि आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड गाइज यहाँ पर आपको एफएक्स पे क्लिक करके एचडीआर पे क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद दोस्तों इस टाइप का आपका फोटो हो जाएगा। इसके बाद इस वाले पे क्लिक करके आपको बैकग्राउंड पे सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, एंड इसको सही करना है। एंड गाइज यहाँ से इसके सिचुएशन थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड फोटो देखिए कितना हार्ड लग रहा है, इसको कम कर देंगे और इसके बाद इसको सही कर देंगे, बैकग्राउंड और भी ज़्यादा हार्ड लगने लगा है। और दोस्तों आपको जो कलर करना है आप यहाँ से उस कलर कर सकते हो, यानी कि कलर पे क्लिक करके आपको जो कलर अच्छा लगेगा आप उस टाइप का कलर कर सकते हो। दोस्तों ये रेड वाले को दोस्तों मैं सबसे पहले तो रेड ही रखूँगा, एंड बैकग्राउंड पे इसको क्लिक करके इसको मैं सही कर दूंगा। एंड दूसरा नंबर गाइज आपको इफेक्ट पे जाके दोस्तों कलर वाले पे जाके आपका बैकग्राउंड जो कलर आपको चाहिए गाइज, यहाँ पर देखिए कितने सारे कलर और कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है, जो कलर रखोगे गाइज आपका फोटो कमाल का लगेगा। तो गाइज मैं सिंपल सा इसको मैं ग्रीन रखता हूँ,
एंड ग्रीन रखा हुआ है, इसको मैं बैकग्राउंड पे कर दूंगा। एंड यहाँ पर गाइज मेरे कपड़े पर इफेक्ट है, तो इसको दोस्तों मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। सिर्फ गाइज आपको बैकग्राउंड पे ही रखना है इसको, बस इतना काम गाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना कमाल का हमारा फोटो जो है लग रहा है, इसको गाइज सही कर देंगे। देखिए कितना कमाल का पिक हमारा लग रहा है। फिर से गाइज इफेक्ट पे जाएंगे एंड दोस्तों इस वाले पे आकर ऑल पेंटिंग को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको दोस्तों इसको थोड़ा सा कम करेंगे लगभग इतना पर गाइज, एंड इस वाले पे चले जाएंगे एंड इनवेट पे क्लिक करके आपको क्या करना कि अपने जो घास है गाइज वहाँ पर आपको ये कर देना है। ये देखिए कितना कमाल का फोटो हमारा लग रहा है गाइज, यहाँ पर पैरों के नीचे कितना ज़्यादा घास और कितना कमाल का फोटो हमारा लग रहा है गाइज ऑल पेंटिंग करने के बाद। तो गाइज इतना ही काम हमको यहाँ पर करना है पिकट के अंदर एंड इसके बाद दोस्तों इसको मैं सही कर दूंगा। एंड गाइज इसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो हमारा कलर है कपड़ा का, इसको गाइज अगर आपको चेंज करना होगा तो आप सेलेक्ट करके जो कलर आपको अच्छा लगेगा वो कलर आप यहाँ से रख सकते हो। तो इसको मैं सही करके अपने फोटो को सेव करता हूँ एंड गाइज यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लर करके आपको मैं दिखा देता हूँ। फोटो रूम से गाइज आपको बैकग्राउंड ब्लर करके दिखाता हूँ, आप वीडियो को देखते रहिए एंड यहाँ से आपको अपने फोटो को सेलेक्ट करना है एंड गाइज यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है बैकग्राउंड ब्लर हो जाते हैं। गाइज यहाँ पर स्कैनिंग हो रहा है आप देख सकते हो एंड पीछे का बैकग्राउंड गाइज रिमूव हो चुका है, तो आपको ब्लर वाला ऑप्शन दिखेगा गाइज नीचे में। यहाँ पर देखिए फोटो एडिटिंग क्लासिक लिखा हुआ मिल जाएगा, जिस पर गाइज यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपल से हम ब्लर वाले पे क्लिक कर देंगे एंड गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, जो कि और ज़्यादा हार्ड ब्लर करना है हमको। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके और यहाँ पर गाइज ये जो ब्लर है इस पर क्लिक करके हम सबसे लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको ब्लर कुछ इतना पर रखेंगे गाइज एंड इसको कर लेते हैं गाइज यहाँ से सेव। एंड गाइज जैसे ही सेव हुआ गाइज हमको क्या करना है कि पिकट को फिर से ओपन करना है एंड यहाँ से दोस्तों पीएनजी वगैरह आपको ऐड करके दिखा तो एंड गाइज जो फोटो का लोगो है और ऑल पेंटिंग है उसको दोस्तों मैं वापस ला देता हूँ। यहाँ पर हमारा ऑल पेंटिंग गायब हो चुका है, तो गाइज मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने ब्लर नहीं किया उस वाले फोटो को यहाँ पर मैं साइज को अच्छे से फिट कर दूंगा एंड इस वाले इरेज वाले पे जाके इनवेट पे क्लिक करके जो गाइज यहाँ पर देखिए किस टाइप से मैं कर रहा हूँ पुराना वाला जो बैकग्राउंड है उसको मैं ला रहा हूँ यहाँ पर और फोटो का लोगो भी हट जा रहा है और कितना कमाल का गाइज यहाँ पर फोटो हमारा लग रहा है आप देख सकते हो। इसके बाद इसको मैं सही कर दूंगा एंड यहाँ पर गाइज मैं पीएनजी वगैरह जो है उसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ, जो गाइज आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले गाइज ये बड़ा वाला टेक्स्ट पेंज है तो इसको मैं ऊपर में लगा रखता हूँ गाइज इतना पर एंड गाइज ये जो किंग वाला है गाइज इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ ये देखिए। इसके बाद ये वाला गाइज जो किंग टेक्स्ट है गाइज इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एंड इसको गाइज मैं सही कर दूंगा एंड गाइज यहाँ पर हमको अब कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट फोटो को सेव करेंगे एंड गाइज इस फोटो पर दोस्तों रिमनी एप्लीकेशन यूज करेंगे तो फोटो फुल HD क्वालिटी में हो जाएगी, तो आपको मैं करके दिखाता हूँ एंड गाइज इसको। तो गाइज यार अब आपको क्या करना है कि फोटो को स्मूथ करना है, तो ले चलेंगे ऑटो टेस्क एप्लीकेशन के अंदर स्मूथ करने के एंड गाइज आपको मैं सेटिंग दिखाता हूँ, जो कि गाइज हमारा ये वाला सेटिंग रहता है जो कि मैंने हर वीडियो में बताया एंड गाइज सेटिंग इसका इतना पर रहता है ब्रश वाला ये रहता है गाइज, ये ब्रश देख लीजिए सेटिंग देख लीजिए एंड गाइज आपको क्या करना है कि अपने फेस पर कर लेना है जूम एंड साइज को दोस्तों इतना पर रख के आपको इस टाइप से जो है फेस को स्मूथ करना है। देखिए कितना कमाल का हमारा स्मूथ जो है हो रहा है, तो ऐसे दोस्तों पूरे के पूरे फेस पर करेंगे तो कितना ज़्यादा मस्त पिक लगेगा आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए इस टाइप से आपको जो है स्मूथ करना है, कितना कमाल का लग रहा है गाइज। एंड सेटिंग गाइज इतना पर करके आपको छोटा बड़ा करके नाक को भी स्मूथ करना है सेम ऐसे दोस्तों जैसा कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर नाक को भी दोस्तों कर लेंगे एंड यहाँ पर भी इस साइड भी, कितना कमाल का फोटो हमारा लग रहा है। और साइज को बड़ा करके यहाँ पर अच्छे से दोस्तों कर लेता हूँ, ये देखिए कितना कमाल का फोटो अब हमारा लग रहा है एंड दोस्तों हाथों पर भी आपको करना है एंड गाइज यहाँ पर गर्दन को भी मैं पहले स्मूथ करके दिखा लेता हूँ, ये देखिए
इतना कमाल का दोस्तों हो रहा है। सेम ऐसे गाइज आपको भी जो है स्मूथ करना है दोस्तों, आपको पक्का आएगा गाइज स्मूथ करना। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, कितना आसानी से, बहुत इजी है गाइज। यहाँ पर इतना गाइज होने के बाद यहाँ पर देखिए इतना कमाल का लग रहा है गाइज। तो गाइज इतना होने के बाद आपको इस प्लस वाले पे क्लिक करके यहाँ पर एक प्लस कर देना। अब गाइज आपको एक और ब्रश चूज करना है जो कि ये वाला ब्रश है गाइज, एंड सेटिंग इसको इतना पर रखिएगा। एंड इस पे दोस्तों आपको रेड करने का, ये ध्यान दीजिएगा आपको अपने लिप को रेड करना होगा। तो और इस टाइप से दोस्तों आपको अपने लिप पर जो इसको लगा देना है, और इस पर थोड़ा थोड़ा गाइज, बस इतना करने के बाद आपको इसका ऑफसेट जो है कम कर देना लगभग इतना पर, एंड आपका फोटो और ज़्यादा कमाल का लगने लगेगा। एंड फोटो को सेव करना है, सेव करने दोस्तों लाइट रूम के अंदर लेकर चलना है लाइट एडजस्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट ट्रिक। तो फोटो को लाइट रूम के अंदर गाइज लेकर चलेंगे, एंड देखिए कितना कमाल का आपको मैं ट्रिक बताता हूँ लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर, जिससे गाइज आप कलरफुल अपने फोटो को कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा हेवी आपका फोटो लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों ये मेरा पिक यहाँ पर आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चला जाता हूँ दोस्तों कलर वाले ऑप्शन पर, और मिक्स पे जाऊँगा, पहले वाले को थोड़ा सा हाई करूँगा लगभग इतना पर, एंड दूसरे वाले को थोड़ा सा माइनस करके इसको इतना प्लस करूँगा। जो कि गाइज अगर आपको फेस वाइट करना होगा तो सिचुएशन को माइनस करेगा, एंड फेस पर लाइट लाना होगा तो गाइज आप ये लुमिनस को बढ़ाएगा, आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगेगा। एंड येलो वाले पे कुछ नहीं करना है, ग्रीन वाले को थोड़ा सा हाई करना है गाइज, एंड दोस्तों इस ब्लू वाले को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, एंड इसको दोस्तों आपको थोड़ा इधर कर लेना है, बस इतना काम करना है। एंड अब आना है गाइज आपको लाइट वाले पे, आपको हाईलाइट को क्या करना है कि थोड़ा सा गाइज यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, एंड शेडो को दोस्तों थोड़ा सा कम करता हूँ, सॉरी इतना पर 4 करते हैं, एंड वाइट को दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कम, एंड ब्लैक को इसको भी गाइज इतना पर ही रखने रहने देता हूँ जो है गाइज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलर पे दोस्तों ग्रेडिंग वाले पे दोस्तों इसको इतना हाई करना है, इसको इतना, एंड इसको इतना, बस इतना काम करना है आपको। एंड दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट वाले पे आना है, क्लैरिटी को बढ़ाना है, एंड गाइज इसको थोड़ा सा लो करेंगे, बस गाइज यहाँ पर हमारा फोटो बन कर रेडी हो चुका है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।